बैठ के मरीन ड्राइव में, और ये है शायद यहाँ का सबसे पुराना किला। इतना भूथा हो गया अंग्रेजों के ज़माने का किला, रियल में हॉरेबल लग रहा है हमें तो देख कर ये। थोड़ा देर के बाद देखते हैं इसमें, कल अगर जाने का मौका मिले तो जाएंगे। रायगढ़ सर्किट हाउस में हूँ और मैंने यहाँ पे आके मतलब कि रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मुझे एक रूम दे दिया जाए। अभी HDM सर शायद कोर्ट में बैठे हैं इसलिए कंफर्म नहीं हुआ, बट मुझे बैठने के लिए कहा गया। शायद मे भी पॉसिबल, आई होप कि अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, अदरवाइज़ ऊपर वाला मालिक है कुछ कुछ होगा, देखते हैं। अभी मुझे रूम अलॉट हो गया है, एक्चुअली रूम नहीं अलॉट हुआ है, सर्किट हाउस में मुझे गेस्ट रूम मिल गया है। बढ़िया सा है रूम, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये रूम है, सर्किट हाउस का रूम है, थोड़ा अच्छा रूम अलॉट हो गया है, AC वगैरह TV सब है। चलो यार अब घूम के आते हैं, पूछते हैं खाना मिल जाए तो ठीक, नहीं तो बाहर कहीं तो खाना पड़ेगा। चलते हैं, चलिए दोस्तों। जहाँ भी मैं जाता हूँ डेफिनेटली कोई ना कोई ऊपर वाला भेज देता है हेल्प के लिए। अभी फिर से दो बंदों को भेजा है। ये भाई हैं, नाम भाई प्रदीप, प्रदीप भैया, राहुल यादव भैया, और हम लोग खड़े हैं कौन से मंदिर के पीछे, फेमस मंदिर दोस्तों रायगढ़ का, ये मंदिर का नाम है गौरी शंकर मंदिर, बहुत प्यारा है एक्चुअली। हम लोग बाद में, मैं डेफिनेटली अंदर भी जाऊंगा, अंदर भी देखूंगा भी, लेकिन अभी अच्छा इसलिए लगने लगा है, थोड़ी देर पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि रायगढ़ में किसी को नहीं जानता। अभी जब आ रहा हूँ तो जितनी मन की एक बहम थी सब दूर हो गई, दो भाई मिल गए। अभी एक गार्डन है वो दिखाने के लिए जा रहे, इसी ऐसी तो क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है दोस्तों। अभी हम उनके अपने छोटे भाई के शॉप आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल जहाँ पे बड़ा गार्डन बोलते हैं रायगढ़ का, श्री राम चाट भंडार के नाम से। कभी भी आओ विजिट करो, थोड़ा सा एक बार एड्रेस मेंशन करो ये भाई, चक्रधर नगर रायगढ़, चक्रधर नगर रायगढ़ के में। बिल्कुल अब जब भी आना है बिल्कुल आओ, भाई को तो पहचान ही लो यार, क्योंकि कल के सुपर स्टार होते हैं, है ना। लोग बोलते हैं ना इंजीनियर चाय वाला, हमारे भाई इंजीनियर गुपचुप वाले हैं, डोंट वरी बी हैप्पी। बड़ा गार्डन के नाम से फेमस है, जरा आया हूँ तो इसे भी देख लूँ, बड़ा बढ़िया खुश हुआ माहौल है। अब बहुत भीड़ है, भीड़ के मामले में कोई कमी नहीं है। चलता हूँ पहले अंदर, देखते हैं यहाँ का माहौल भी। और आज दिन भर एक्सीडेंट देख के ना दिमाग पूरा एक्सीडेंट हो गया था, पूरा नेगेटिविटी आ गया था मेरे अंदर। और अभी यहाँ का जो माहौल है ना सच में ऑसम है यार, अच्छी तरीके से डेकोरेट करके बहुत बहुत ज़्यादा भरा हुआ है आप देखोगे तो इस हिसाब से बढ़िया जगह है, मज़ेदार जगह है, बिल्कुल एक बार आना है, घूमना है, और माइंड फ्रेश करने का सबसे अच्छा जरिया है ये, मैं ये मानता हूँ। बेसमेंट से यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, उनसे भी मैं पूछा, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी जगह, कोई भी मतलब नाइट के हिसाब से कोई जगह ऐसा है नहीं रायगढ़ में, तो डे के टाइम पर हम लोग जाएंगे, डे के टाइम पर ही पता चलेगा, उसमें ही समझ में आएगा। चलेंगे तो निकल रहा हूँ, एक भैया जो मुझे यहाँ सबसे पहले मिले थे वो आ गए हैं बाहर, हम बोल रहे हैं उनसे मिलता हूँ, उनके यहाँ बच्ची का बर्थडे हो सकता है, वहाँ चले जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद में फिर कल मिलेंगे यार, वैसे भी रूम मिलेंगे आज, मैं बताया भी काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स देख के माइंड वैसे एक्सीडेंटल हो रखा है। अभी मैंने आपको भी दिखाया था, उतना टाइम मैं समोसा भी खाया, एक सर मिले थे मुझे, और मैंने बताया था कि उनके छोटी गुड़िया का मतलब कि बर्थडे, मैंने इंस्टा में मेंशन भी किया बर्थडे को, बच्ची के बर्थडे को हैप्पी बर्थडे करके, तो अभी मैं उनके बर्थडे पे आया हूँ। ये देखिए सर है, पूरी फैमिली उनकी यहाँ पर बैठी हुई है। तो थोड़ी देर के पहले, एक डेढ़ घंटे पहले मुझे लग रहा था कि मेरा कोई नहीं है रायगढ़ में, मैं कैसे करूँगा, मैंने हेल्प के लिए मैसेज भी डाला था, वीडियो भी डाला था, और अभी डेट में पूरी फैमिली मिल गई यार। ये होता है थोड़े थोड़े देर में, जैसे कि माहौल बदलता है वैसे थोड़े थोड़े देर में इंसान की कंडीशन भी बदल जाती है। इंडिया टूर में मैं बर्थडे पे भी पहुंच गया, ये होता है किस्मत। ये देखिए छोटी की बर्थडे मनाई जा रही है, फैमिली आई हुई यहाँ पे पूरी फैमिली, और हमें भी अच्छा अवसर मिला यहाँ पे आने के लिए यार। केक भी आ गया है, प्यारा सा केक, अंकल का नहीं चलाता जी, आपको जाएगी। हाँ चलो सब जने संग आ जाओ। ए दीदी को टीका लगाना लो, इधर दीदी नारी नारी का, जब तक नहीं रहते पूजा सक्सेस नहीं होता। ले हैप्पी बर्थडे बच्चा, जा दीदी को टीका लगा, चल लगाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डियर, नाम क्या है, बच्ची का बर्थडे मिल रहा है। देखो इंडिया टूर में मुझे ये सेलिब्रेट करने के लिए मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। हैप्पी बर्थडे, सब हम लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। ये देखो आ गया पूरा मेरा सब्जी रोटी पूरी सब आ गया, सब पूरे फैमिली के साथ बैठ के अपन खाना खाने आते हैं।
एंजॉय करो। थैंक यू भैया जी, थैंक यू बड़े भैया आप मेरी। नहीं 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 कुछ नहीं, एक अच्छी स्टोरी हूं। अरे कौन जाएगा वेगास ये एक्चुअली। कभी कभार हम कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाहते फिर भी दिखानी पड़ जाती है, और कभी कभार कुछ चीज़ों के कारण पूरा माइंड आइटिंग रिजल्ट हो जाता है। आज ऐसे ही हुआ यार, दो दो तीन तीन हमने एक्सीडेंट्स देखे, लेकिन कुछ अच्छे पॉजिटिव चीज़ भी हुए इन निगेटिव्स के साथ में, कि कुछ अच्छे लोग मिले, एक अच्छी फैमिली मिली, और जिन्हें मैं नहीं जानता था उनके बर्थडे पर गया, वहाँ खाना खाया, अभी जस्ट लौटा। तो यार ये लाइफ का तो ये रूल ही है कि कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ अच्छी यादें कुछ बुरी यादें चलती रहती हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी यार फिर से कि प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाओ, क्योंकि आप ये मान के चलो अगर स्पीड है छोटी सी भी अगर चूक होती है डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, और अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो पूरी फैमिली को प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ काम करते हैं आज इस वीडियो को, यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग साथ। बट प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, एक मीडियम स्पीड में गाड़ी चलाएं, और अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपके ध्यान से आपको पूरा फैमिली का ध्यान है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।